कीमतें 2 से 6% तक ज्यादा चुकाना होगा बिजली का बिल, DERC ने दी मंजूरी। शिंदे को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से कहा फिलहाल 16 विधायकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करें। मूसलाधार बारिश की वजह से नागपुर समेत सूरत नेशनल हाईवे पूरी तरह से हुआ ठप। मौसम विभाग ने आज कोकण और मध्य महाराष्ट्र में जारी किया रेड अलर्ट। अमरनाथ गुफा में बादल फटने से हुई थी 10 लोगों की मौत, केजरीवाल ने किया 10 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान, तो वहीं इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। भारत में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण से 16,666 नए मामले, तो वहीं 26 की हुई मौत, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जानकारी। भारत में कोरोना की रिकवरी रेट 98.5%। गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सोमवार को अमृतसर कोर्ट में किया गया पेश। भारत में इंटरनेट के जनक का निधन, देश की सूचना क्रांति में था अहम योगदान, विजेंद्र कुमार सिंघल को भारत में इंटरनेट क्रांति का माना जाता था जनक। गुजरात में बाढ़ से बेकाबू हुए हालात, अब तक 61 की मौत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र से भेजी सारी टीमें। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का असर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में हुई रूसी गोलाबारी में एक 20 साल की डांस स्पोर्ट्स पर्सन की हुई मौत। और CBI की विशेष अदालत ने अनिल देशमुख के डिफॉल्ट जमानत याचिका को किया खारिज, अनिल देशमुख को लगा फिर एक झटका।